मैं मुनोम छुजीरा ना यार दे आता हूँ ये देखो इधर इधर साफ करना कुछ नमस्ते पहला सभी को स्वागत है आपका विश्व रोटेला के व्लॉग्स में। तो अभी सुबह के हो रहे हैं 9:30। तो आज थोड़ा लेट उठे तो काम भी थोड़ा स्लो स्लो ऐसे ही चल रहा है। और क्या हो गया, यहाँ मैंने इनको दरवाजा इनको बाथरूम में बंद कर दिया है क्योंकि एक एक घंटे तक निकलते नहीं है। हाँ जी क्यों, मुझे लगा तुम्हें पसंद आ गया होगा, तुम निकलते नहीं आते थे घंटे तक। अब मैं बनाऊंगी मैक्रोनी, बहुत टाइम से खाई नहीं मैंने तो मैक्रोनी बनाऊंगी। और इजा हमारी बर्गर खाए और यहाँ मम्मी बर्गर खाया जा रहा है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। ये देखो वो भी किस कौन सा आटे का ना, वो किसका आटे का बर्गर उसमें वो मियोनी वगैरह वैसे है ना तो उन्हें टेस्ट नहीं आ रहा होगा। नहीं अच्छा तो क्या खाओगी फिर? कुछ नहीं मम्मी कैसे खा रही? नहीं 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 कोई नहीं, आधा खा ले खा लेंगे। और यहाँ से कुछ ऐसा नजारा है गली का, गली का नजारा दिखा के हमारी ग्रिल दिखा रही हो? नहीं नहीं ये नहीं ना, वो देखो कबूतर, वो देखो पेड़, चारम कबूतर बैठ रहा है। ये पेड़ किचड़ का मुझे अब तक समझ में नहीं आया। अरे कुछ नहीं है, इसमें से मेरे ख्याल से प्रेगनेंस आती है। प्रेगनेंस आ दे लगा दो तुम पे। दिस ट्री हैज रैन द ब्लॉक खराब करोगे छोड़ो। अच्छा लड़का करके आप उसे गांठ मारेगी। इसको तो खत्म करना ही है, इसको तो खत्म करना ही है। उसमें ना अरे सो सॉस में होनी वैसे बंद कर दो, इतना नहीं बनाते फालतू का ब्लॉग। नहीं अरे चाय दे दो। यहाँ पे टाइम देखो, यहाँ हो रहे 9:30। ये मम्मी का फोन बस ऐसे भागती होगी। 9:30 हो गए, अब देखते रहना तू। हाँ 9:30 ये फोन उठा रही है, अभी इन्होंने फोन मिस कॉल में बदल चुका है। हाँ नीरज दीदी का फोन है। हेलो हेलो, यहाँ बज गई 2:30। ऐसा है सुबह सपना ने जो है इंट्रो बनाया था उसके बाद इसका हो गया मूड खराब। मूड खराब यूं हुआ ईजा, मूड खराब ऐसे हुआ कि कह रहे हमार ब्याग 2 महीने की है ना और तू मूल में की विश लेनी गए है ना, विश लेनी गए ले मुनाव भटभटा क्या मुनाव भटभटा को भिड़ पा मुनाव भटभटा ये जीरा बनाए हैं। क्या बोल रही हो, क्या पूछ रहा? मैं मुनोम छू जीरा वाली वीडियो देखी थी तुमने, कहा है जीरा? मैं मुन वो वो पूछता है वो पूछता है एक ना बाइकर आता है, बाइक चला करके आता है वहां पूछता है तो पुलिस वाले से पूछता है तो पार्किंग का है, पुलिस वाले से पूछता है वो लड़का बाइक वाला पार्किंग का है, कहता कहता पार्किंग का तो उसका उसका मुंह कुछ कहता उसको कहता मैं मुंड बचू पार्किंग। तो दगड़िया ऐसा है 2:30 बज गए हैं, सपना जो छोक सपना छोक रही है चावल, कल के बज गए थे हमारे जिया जी रुचि दीदी मैं और सपना हम सब यहाँ बैठे हुए थे चावल बनवा दे खाए। हाँ तो हमने बनवाए थे तो हमने फिर खाए नहीं क्योंकि हमने बाहर से बर्गर वर्गर ऑर्डर कर लिया आटे वाला बर्गर क्योंकि वो मैदा वैदा थोड़ा ठीक नहीं रहता। तो यहाँ पे ये है चावल हमारा कुकर में फुल भर रही रहो, दिखाओ एक बार खोल बे ढक्कन खोलो भी दिखाओ, ये फुल भर रहा था फुल बिल्कुल का पक जैसे भर रहा। और ये मर्च ये प्याज ये शिमला मिर्च टमाटर और ये छौका, तो चलो थोड़ा थोड़ा करके दिखाते रहेंगे क्योंकि थोड़ा आज ऐसी है थोड़ा बनाया भी नहीं हमने कुछ। हाँ अब मम्मी कह रही है बुआर को छत दिखे बेला, छत दिखे बेला अभी तक जब से 2 महीने से ब्याह हो रखा छत ही नहीं देख रही है हमारी, छत में हमारा व्यू है बल हिमालय दर्शन ही नहीं बल छतम पे जा छत दिखा बल धूप से धूपल तप रहे छत ये धूप नहीं। धन्यवाद लोगों को जो बोल रहे मेरी कुमाऊनी बहुत अच्छी है, मेरी पहाड़ी बहुत अच्छी है बल तुम बहुत पहाड़ी बोलते हो कमेंट में रहो। हाँ तुम पहाड़ भल बुला नहीं आयो। ये हमारी मम्मी है, हमने धूप आ रखी तो मिर्च यहाँ सुखा रखी है गाँव की
और मम्मी है, मैंने कहा दो बार तो पैर में लगी है, मैंने कहा इससे बड़े पिसवाने क्यों भेज रही हो, पैर से भेज दो। दी चार बार, एक बार आई था उठा करो, पैर काम नहीं कर रहा। हाँ पैर में थोड़ी दिक्कत है मम्मी के, तो दो खून तो पीस दिए होंगे तुमने जाते आते में। खाना खाने की तैयारी शुरू। अभी तुमने कहा कि मैं खा नहीं रहा प्याज, नहीं तो फिर ये तुम तो ये काटू है ना, ये अच्छा। चाकू, ये है फ्राइड राइस, मैक्रोनी बनाई थी, इन्होंने कहा था मैं खाऊंगा पर खाई नहीं, बच गई। फ्राइड राइस बोल, फ्राइड राइस बोलते उसे, खिचड़ी खुली हुई खिचड़ी है, ऐसे मत बोलो। और ये है क्या, ये खोलना बाबू, प्याज की चटनी, ये ब्लॉग में बाबू बाबू मत क्या करो ना, प्याज की चटनी ये दीदी ने दी है। हो मेरे से बुलवाते रहा, तुम बोलो तो हम खाना खा रहे हैं, आप भी खाइए। तुम बोलो दिनम के बनर्जी दाल वाल एक एक बेली थाले भेज दिया। हो 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 हो, हमारे घर में सिंगर पहुंच गए हैं। अभी तुमने विदाई वाला सॉन्ग सुना वाला क्या? विदाई वाला कौन सा वाला वो जो वो मेरे को वो वाली लाइन में नहीं आता ना, वाला सुन दो वो, सासु सेवा खूब करिए मेकअप झर रे दातू लकी धारी जैसी गिच झन चले ये नी दिखाए छिल बिला। हंसी आ रही है तुम्हें? मस्त गाने ने। घोड़ी पे सवार आयो सपना ब्योली आयो, सपना का द्वार आएगा, सपना द्वार आयो वो आज अंगना आयो री तेरो साजना। गजब मेरे नाक के अंदर फुंसी सी हो गई यार, सपना देखने जरा एक बार। के 6 बज गए हैं, यहाँ मैंने चाय रख दी है बोलने वाली है जो, और हमने जरा बीच रोटेला जी को कुछ काम दिया है नारियल फोड़ने का। ये सही छिलते हैं ना नारियल, वाह। तो ये काफी टाइम से था हमारे पास नारियल, पता नहीं कैसा होगा अंदर, ये सही है यार, पानी सूख गया ना सारा है, थोड़ा सा है ना, ये देखो कौन सा बीज खाने को कह रही थी तुम, निकला बीज थोड़ा सा इसमें है पानी, पानी थोड़ा सा खट्टा हो गया, ठीक है। रात के 9 बज गए हैं और यहाँ पे अब साफ सफाई का काम चल रहा है, कहीं मैं पंखा ना चला दूं। अरे कपड़े से करो ना जो बोल रही हूँ, नहीं होगा हजार हजार, देखो इसको देखो, हाँ ये कपड़े नहीं है बीच में, ये देखो इसको देखो, ये देख तुम्हारा हाथ कितना जाता है, मैं भी देख, पकड़ लो ना, पकड़ा हुआ है उस पे, चढ़ो उस पे, उस पे क्या पकड़ना है, गद सुबल चढ़ चढ़ चढ़ो, अरे सीधे तो तुम करो ना, लो लो करो जल्दी करो, अरे करो जल्दी करो, अबे करे सीधा रखो मम्मी, तुम भी करो, सारी है यार, पहले देखो साफ दिख रहा है, इधर से दिख रहा साफ, दिख रहा साफ, ये और करना अच्छा, मैं मोटी ही क्या होता हूँ ना, मेरे पंखे नहीं जा रहा है, ये देखो इधर इधर साफ करना मुझे, अरे मेरे पास ही आ गया, अरे यार तू मेरे को डाल मुझे ना, अरे मेरे को मुझे आ गया हंसते से, गांव में कैसे चलते, तो गांव में भागो, ये बाहर बाहर से दिखने में ऐसी अंदर से पूरी खोखली है गाइस, कैसे खोखली है तुम नहीं समझोगी, क्या हो गया इतने का सुबह का तो कर रहे हो,
रे इसे मेरे टीका लगा दिया, टीका लगा दिया मेरे से हाँ? ये पिटेगी ओए साफ हो रहा नहीं हो रहा है अच्छा, अच्छा, मेरी भी तो हालत खराब हो रही है ना थोड़ा तरस खाओ अबे मुंह पर क्यों लगा रही हो गया हो गया ना अच्छा बता मेरे को मुंह पहले बता दिए यहाँ जैसे तैसे पंखे की सफाई करने के बाद बंदरों की तरफ चढ़ चढ़ के अब यहाँ चैन फंस गई इस बैग की चैन लगाई जा रही है आ, सही बैग है वो दिख नहीं रहा किस कंपनी का है वो जी तो फिर सफाई के बाद अभी घड़ी को यहाँ से यहाँ निकाल लिया लगाया गया है और तुम क्या कर रहे हो ये हमारे बूबू की फोटो है देखो जो घड़ी थी ना पहले हमारी नीलू दीदी आई हमारी नीलू दीदी क्या करा घड़ी घड़ी जो है घड़ी लगा दी इस दीवार पे अब सुबह सुबह उठना होता था अब जैसे सो रहे अब घड़ी सामने तो है नहीं तो मम्मी उठती थी तो मम्मी ऐसे ऐसे टाइम देखती थी ऐसे देखती थी टाइम ऐसे तो घड़ी हमेशा सामने होनी चाहिए ताकि अब टाइम दिख रहा हो अब बूबू को हम कहीं और बैठा देते हैं कुछ भी जो फालतू सामान था वो सारा हमने यहाँ से निकाल करके बेड में डाल दिया है दो बैग वहाँ पे ऊपर टांग दिए हैं और वो दीदी का बैग है जिया जी लोगों का तो उनको वो देना है वापस सब्जी के लिए नहीं वो टिंडे में सब्जी होती है गदू टिंडे बेकार होती है तो हमारे ये मेरा देखो ये सामान ऐसे पड़ा हुआ है मेरी डॉक्यूमेंट्स फाइल है ये मेरा माउस से आधा काम वाम जो भी होता है तो ये फ्रेम बनवाया था मैंने वो फोटो वो थोड़ी साफ से सही नहीं हुई क्यों मेरे को गंदगी आ रही पूरी तो ये चीज़ है फिर अभी हम खाना रखते हैं फिर उसके बाद आपको लास्ट उसमें बाय कर देंगे या नारियल फोड़ा था ये वहाँ का नारियल है ये गैराड हम मैं और सपना वहाँ गए थे ना गैराड मंदिर गोलजू गैराड गैराड एक तो चितई वाला हो गया गैराड भी है वहाँ पे वो अल्मोड़ा मतलब कफरखान के पास में है 4-3 किलोमीटर में तो वहाँ गए थे तो वहाँ से नारियल मिला था तो ये अब जाके फोड़ा इसमें पानी सूख गया था थोड़ा सा बचा था बिल्कुल तो फिर वो पी गया मैं थोड़ा सा कितना टाइम हो गया 10 तो 10 बज गए तो अब हम खाना वाना खाते हैं आप भी खाना तो हमने बना रखी है लौकी क्या बना रही जा क्या बना रहे लाइक लाइक तो आप भी खाओ हम भी खाते हैं तुम लोगों ने क्या क्या बनाया वो भी बता देना कमेंट में ठीक है तो मम्मी क्या क्या बोलते हैं लास्ट में इस वीडियो को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए बेल बटन दबाइए दोबारा बोलो सही है बोलो जल्दी बोलो लाइक करिए सब्सक्राइब करिए तेज बोलो थोड़ा तेज बोलो लाइक करिए सब्सक्राइब करिए बेल बटन दबा दिया और शेयर ले कर दिया और शेयर आगे ना भेजते रहे यार आई नहीं और तुम्हें कुछ सेम टाटा बाय बाय पहला अच्छा तो बस खाली अपने प्यार बनाए रखना ऐसी शेयर और ऐसी हमें व्यूज देते रहना चलो ठीक है हम दोनों इसमें से खा लेंगे चलो सॉरी धन्यवाद थैंक यू पहला